व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, स्पाइस हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग खेलने वाले हैं फिर से फैदम पार्ट 4। तो गाइस, इस गेम में जैक नाम का एक बंदा है जो कि फायर लुकआउट था फॉरेस्ट का, जो कि फॉरेस्ट में चेक करते हैं रात में जाके कि फॉरेस्ट में रात में कहीं तो आग या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उस बंदे का एक नई जगह पे ट्रांसफर हुआ है एंड वो जैसे उस जगह पे जाता है तो उसको नहीं पता था कि उस फॉरेस्ट में मतलब उस पार्क में ऐसा क्या है, उसके साथ क्या होने वाला है, उसको कुछ नहीं पता है। चलो यार, इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और ये वाला एपिसोड अभी जस्ट न्यू लॉन्च हुआ है, कुछ ही दिन हुए इसको आए और मैंने सोचा क्यों ना इसको पहले खेला जाए बाकियों से व्यूज के लिए। ओए क्या बोला, कुछ वो मजाक कर रहा है गाइस, वो पागल है, कहीं से भी आ जाते हैं ऐसे लोग। ओके मैसेज आया मेरे को, एक सेकेंड, कायला का मैसेज, रेडियो पास रोजबर्ग एट नो रोजबर्ग, ये कैसी जगह है भाई। अगर मैं रोजबर्ग पहुंचूंगा तो मैं इसको कॉल करके बता दूंगा कि मैं रोजबर्ग पे पहुंच चुका हूं। वहां पे ऐसा क्या है जो ये चाहती है मैं वहां पे जाऊं तो उसको बताऊं। वैसे हाँ, हम लोग अपने नए लोकेशन पे जा रहे हैं जहां पे हमारा ट्रांसफ़र हुआ है अपने वैन में। तो वो सामने से ट्रक वाले अंकल आ रहे हैं, साइड कर लेता हूँ, क्या पता उड़ाते हुए चले जाए मुझे। हाईवे पे सबसे दोस्ती बना के रखनी पड़ती है यार, कुछ नहीं पता कब कौन आके उड़ा जाए। ओके हम लोग पहुंच गए रोजबर्ग, यही वो जगह है। एक सेकंड, डिनर, ये खाना खाने की जगह है क्या? एक मिनट में अपना ये साइड कर लेता हूँ, क्या पता कोई ठोक दे। ओके हम लोग यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर और देखते हैं। वैसे मैं इसको बता देता हूँ। ओके तो ये रोजबर्ग जो है एक बहुत बढ़िया डिनर रेस्टोरेंट है, मतलब यहाँ पे लोग आते हैं खाना खाने और इनके जो बर्गर्स है वो बहुत फेमस है। वो चाहते हैं कि मैं इसको ट्राई करूँ, जरूर क्यों नहीं यार। चलो हम लोग वैसे भी भूखे हैं तो खा लेना चाहिए कुछ, डोर बंद करते हैं। और ये वो रेस्टोरेंट है, ये कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसके अंदर चलते हैं, खाना पीना खाते हैं। ओ माय गॉड, ये ओल्ड रेस्टोरेंट है, ओल्ड गाना, इतना पुराना गाना, मेरे इधर का तो है नहीं, समझ भी नहीं आ रहा। वेलकम टू ट्विन रिवर डिनर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? गुड, फील फ्री टू टेक एनी सीट यू लाइक एंड यू विल बी राइट विद यू। ओके मैं लूंगा, ओए किसने गिलास फेंका, मैं ये खिड़की वाली सीट लूंगा क्योंकि हम लोग खिड़की से अपने बाहर भी झांक सकते हैं ना। वैसे बाहर रात होने में भी टाइम है, शाम हो चुकी है। हेलो मिस, क्या मेरा खाना है ये? गुड इवनिंग, आई एम बर्बरा, आर यू रेडी टू ऑर्डर? या सो व्हाट कैन आई गेट फॉर यू टुडे? मी गार्लिक चीज सैंडविच विद ओनियन रिंग्स, या ये कर दो। एनीथिंग टू ड्रिंक? या लार्ज कोक, कॉफ़ी, स्ट्रॉबेरी। एक काम करते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं क्योंकि अभी रात होने वाली है, कहीं मेरे को गाड़ी चलाते हुए नींद ना आ जाए, फिर मैं गिर जाऊँगा, ठोक दूँगा पहाड़ से कूद जाएंगे। तो मैं ड्रिंक कर लेता हूँ कॉफ़ी को। ओके मेरे को वॉशरूम जाना है क्योंकि मैं खाना खाने से पहले वॉशरूम जाता हूँ, तो वॉशरूम चलते हैं। ओके रिलैक्स करते थोड़ी देर और ये मत देखो। अबे कितनी है भाई टंकी, खाली नहीं हो रहा इसका। ओके फाइनली इसकी टंकी खाली हो चुकी है और अब हम लोग बाहर निकलते हैं। हो गया भाई, ओए रुको रुको, हाथ धोने भूल गया भाई, छी, जब भी बाथरूम से आओ अपने हाथ धो लेना चाहिए वरना घर वाले अगर पकड़ लेते हैं तो बहुत मारते हैं। ओके हम लोग पहुँच चुके हैं और मेरा खाना अभी तक रेडी नहीं हुआ यार, कितना टाइम लोगे, दे दो यार। वैसे मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है अभी, कोई बात नहीं, आ जाएगा हमारा खाना। पहले हम लोग अपनी सीट पे बैठते हैं, बाहर थोड़ा एंजॉय करते हैं। ये बंदा बार बार मेरे को क्यों देख रहा होगा। ओके लेट्स गो गाइस, हम लोग का खाना अभी रेडी हो चुका है, अभी हम लोग थोड़ा बहुत पेट पूजा करेंगे। अब आप मेरा मुँह ताकोगे और ये फेंक के क्यों दिया आपने मुझे, है सस्ता खाना इसका ये मतलब, थोड़ा ना फेंक के मारोगे मेरे मुँह पर, बट ये दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। तो चलो यार अपना सैंडविच खाते हैं सबसे पहले और सारा कुछ खा के फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ 15 मिनट के अंदर पक्का। ओके अभी हम लोगों ने भरपेट खाना खा लिया है और अभी मेरे को कैला का मैसेज आया, एक मिनट, डिड यू ईट अप गोइंग, या डिड यू एंजॉय द फूड? ये बहुत अच्छा था, एनीथिंग यू लाइक टू हैव? ना ना चेक प्लीज। ओके आई विल बी राइट। कैला यार तूने तंग कर दिया यार, टोल्ड यू ही दिस फूड रिमाइंड्स मी, यार फूड बहुत यम्मी था, मजाक से हट के बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मज़ा आ गया खा के। ओके अरे यार तू कैला तंग कर दे,
हेयर द चेक योर्स, टोटल 6.6 डॉलर्स। ओके, कुछ ज़्यादा ही महंगा खा लिया मैंने। तो ऐसा है कि मैं इसको टिप भी दे सकता हूँ 15% की या फिर 50% की, और जो कि मैं नहीं दूंगा। इसलिए मेरे को याद ही आप लोगों को खाना फेंक के मारा था। मैं इसको सिर्फ इसके बिल देने वाला हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे बहुत हैं। यप, हो गया, आपको आपके पैसे मिल गए, निकलो ना फिर। ओके, अभी हम लोगों ने भरपेट खाना खा लिया, अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। वैसे भी रात होने वाली है, ज़्यादा देर हम लोग बाहर नहीं रह सकते ना। रात होने से पहले मुझे अपनी लोकेशन पे पहुँचना है, वरना मेरे को जॉब से लात मार के निकाला जाएगा। ओके, बहुत ब्रेक ले लिया, लेट्स गो। चलो भाई, इसको बैक लेते हैं, कोई पीछे ठोकना मत। ये मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, बस मेरे पापा जी को ही लगता है कि मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, बाकी मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूँ। ओके गाइस, तो अभी रात हो चुकी है, एंड ये जंगल देख रहे हो, दोनों साइड बहुत भयंकर वाला जंगल है। एंड भाई, हम लोग अपने लोकेशन पे भी पहुंच चुके हैं, यही हमारा लोकेशन है। अपनी कार को यहीं पे पार्क करते हैं, वैन को, अपने वैन को यहीं पे पार्क करते हैं, लेट्स गो। चलो यार गाइस, फाइनली हम लोग इस लोकेशन पे तो आ चुके हैं, और अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना बैग ले लेता हूँ, क्योंकि बैग जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में मेरे सारे सामान रखे हुए हैं। चलो ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा घर है, मे बी यही है वो जगह जहाँ पे मेरे को आना है। तो लेट्स गो, चलते हैं अंदर। व्हाट द हेक आर यू, पागल है भाई, ऐसे एकदम से भाई मेरे मुंह के सामने क्यों आ गया तू? होली मोली, यू स्केर्ड मी, आई थॉट यू वेयर वन ऑफ देम। अबे तू पागल है, तूने मेरे को डरा दिया भाई, बेमतलब का। हे लॉर्ड, हे मर्सी, ऑलवेज आई कैन सी योर परमिट। या भाई ये ले यार, परमिट चेक कर तू मेरा। ओके गाइज, वो अभी मेरा परमिट चेक करने गया है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, सब कुछ, मेरा ट्रांसफर वांसफर। कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं, जैसे ये चेक कर लेगा उसके बाद। वैसे जगह बहुत अजीब सी और डरा। ओ क्या हुआ भाई, चेक हो गई। ऑलराइट गाइज, अभी इसने मेरे को मेरी टावर की दे दी है, जहाँ पे मैं जाके काम करने वाला हूँ। ये गेट बंद करते हैं, एंड ये लोकेशन है वहाँ जाने का। और आप लोग सोचोगे मैं अपने वैन को लेके क्यों नहीं जा रहा, तो वैन इसके अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि बहुत गंदा फॉरेस्ट है, एंड फंस फंस जाएंगे हम लोग, तो इसलिए मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा इसके आगे। ओके, टेक दिस। ओके, फ्लैश लाइट दे रहा है बंदा, बहुत अच्छा है, ज़रूरत भी है यार, रात हो चुकी है जंगल में। ओके, क्या हुआ भाई? हे हाँ, जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, डोंट ट्रेवल एनी फर्दर देन हाफ अ माइल नॉर्थ ऑफ योर टाउन। वाई? बॉब कैट्स एंड बियर्स। ओके, शेर एंड भालू की बात हो रही है। ओके, मेरे को लगा है मेरे को डरा, ये तो अंदर जा रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग अपने टॉर्च को, ओ ये क्या फेंका मैंने, फाइनली लाइट जल चुकी है, अब हम लोग अंदर चलने के लिए रेडी हैं। और मेरे को सच बताओ ना, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यार फॉरेस्ट में हम लोग ऐसे कोई भी नहीं है, अकेले हैं हम लोग। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा तेज़ चलता हूँ, कुछ नहीं पता यार कब कोई भालू या फिर भूत भूत हम पे अटैक वटैक कर दे। बहुत गंदा भाई ये जगह है, डरावनी है थोड़ी सी, रात भी ज़्यादा हो गया है, सुबह डर नहीं लगेगा इतना, रात में लगेगा बहुत ज़्यादा। 11:30 हो चुके हैं हम लोगों को ट्रैवल करते हुए, और अभी हम लोग यहाँ पे ही पहुँचे हैं भाई, टावर 11। ओके, ये मेरे टावर 11 जाने का रास्ता है। वैसे हम लोग थोड़ा पास पहुंच चुके हैं अपने टावर के, मे बी टावर जस्ट मेरा इधर ही है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, आयरनबर्ग टावर 11, गोल्ड ट्री ट्रेल। ओके, इस साइड कुछ और है, बट मेरा टावर इस साइड, और वो देखो वो रहा मेरा टावर। अगर मैं इस साइड जाऊँगा तो क्या होगा, बट अभी मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, सुबह जाके ट्राई करेंगे। यूटिलिटी शेक, ओके यहाँ पे यूटिलिटी शेक है, यहाँ पे छोटा सा मेरा घर। अच्छा, यहाँ पे बाकी काम की चीज़ें होंगी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। ओ यहाँ पे एक जनरेटर रखा हुआ है, इसको ऑन कर दूँ क्या? ऑलराइट गाइस, अभी मैंने यहाँ से जनरेटर भी ऑन कर दिया है, और अब हम लोग चलते हैं अपने टावर पे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ही रात हो चुकी है ना, ज़्यादा देर बाहर रहना सही नहीं रहेगा, बट मेरे को काम भी करना है यार, मैं यहाँ पे सोने के लिए तो आया नहीं हूँ। ओके ऑलराइट, हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे, मतलब टावर पे ऊपर, एकदम गेट बंद करो। फाइनली यार, टॉर्च बंद करो, एंड अपने बैग को यहाँ पे फेंको, ये ले टॉर्च का भी कोई काम नहीं है। एंड अभी मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से रेडियो पे बैठता हूँ और इनसे बात बात कर लेता हूँ।
अभी मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूँ और सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर रहा हूँ। एक बार मैं अपना वो बता दूँ कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। ओके, अभी हम लोग सो सकते हैं क्या? आई हैड टू रिपोर्ट फॉर टू नाइट। ओके, आज मेरे को रिपोर्ट देना है तो अभी हम लोगों को बाहर जाना ही पड़ेगा। मैं अपना टॉर्च ले लेता हूँ, मतलब फ्लैश लाइट, एंड निकलते हम लोग बाहर के लिए। और मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा सच बताऊँ तो बाहर जाने का, लेकिन क्या करें यार, अपना काम है, करना तो पड़ेगा ना। अगर कोई भालू मेरे पे आज चिपटा तो भाई मार खाएगा, मैं पिटूंगा और कुछ नहीं है। ओके, तो उस बंदे ने मेरे को उस साइड जाने को मना किया, लेकिन मैं इस साइड तो जा ही सकता हूँ ना, तो हम लोग इस साइड चलते हैं। अब बस मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है कि कोई पीछे से मुझ पे हमला ना कर दे, या आसपास बहुत घने जंगल हैं यहाँ से हमला ना कर दे। भाई यार, गाइस, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। गाइस, तो अभी मैं चलते चलते एक बहुत अजीब सी जगह पे आ चुका हूँ। यहाँ पे एक घर है एंड पता नहीं कैसा घर है, और मैं थक चुका हूँ भाई, और मेरे को डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है यार। बहुत बहुत दूर से आया हूँ मैं चल के। ये कौन सी जगह है? ये लॉक है यार। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ है क्या? कोई भालू वालू तो नहीं है ना यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चलो यार, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ पता नहीं है ना कि कब क्या भी। कोई तो आ रहा है। भाग भाग भाग, कोई मेरे पीछे भाग के आ रहा है भाई। ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट। मैं गाइस अभी अपने वैन में चढ़ के छुप चुका हूँ, कोई बंदा तो मेरे पीछे आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग अथराइज एलिजेटली रन अ स्मॉल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एरिया। ओके, बट ऑफ कोर्स दे मीट विद नो साइन ऑफ मिसकंडक्ट। नो वन एवर बिलीव माई स्टोरी, डिसमिसिंग इज एज प्रोडक्ट ऑफ आइसोलेशन। जस्ट स्टिक टू लुकिंग आउट फॉर फायर्स मिच ऑफर्स। ओके, ऑल राइट गाइज, अभी मैं उस बंदे से बच के अपने वैन में तो आ चुका हूँ। एंड भाई, कोई भी, मैंने जिनको भी बताया उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया, पर पता नहीं यार क्या हुआ। क्या ये गेम खत्म हो चुकी है? वेट, ये गेम खत्म? ये गेम खत्म? हेलो, तो बड़ा छोटा गेम था यार। टॉप डोनेशंस। ओके, ऑलराइट गाइस, हम लोगों ने मे भी ये गेम खत्म कर दिया है, और मुझे नहीं पता या फिर इसकी एंडिंग भी और हो सकती है, और भी कोई एंडिंग हो, मुझे नहीं पता। बट अगर आप लोगों को लगता है कि इस गेम में और भी कुछ है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और हम लोगों ने तो, मेरे हिसाब से तो ये गेम खत्म हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक देखा है, अगर आप लोगों को मजा आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे ऐसी और भी खतरनाक बेहतरीन गेम प्ले वीडियो के साथ। तो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, लाइक कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड।